हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बताइए दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, 9:30 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ सब्जी काटने। और बाबू भी जो है मेरे साथ बैठा हुआ है और घर पे अभी कोई बच्चा नहीं है। मतलब यहाँ पे मैं हूँ और मेरे साथ यहाँ पे और एक रूम में और एक किराएदार जो है रहते हैं, तो उनके जो बच्चे वो सब लोग चले गए हैं स्कूल, तो बाबू यहाँ पे अकेला पड़ गया है। तो ना मेरे पीछे पीछे घूम रहा था कि मम्मी तुम क्या काम कर रही हो, चलो तुम्हारे साथ मैं भी थोड़ा सा मदद कर देता हूँ। इसलिए ना मेरे पीछे पीछे घूमता जा रहा है और मेरे साथ भी यहाँ पे बैठा हुआ था। और मैंने यहाँ पे जो है मॉर्निंग में बनाने के लिए, मतलब लंच बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मशरूम देखे काट लिया है। और ये जो मशरूम है ना, 2 दिन पहले का है, जो हस्बैंड जो बाज़ार से लेके आए थे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि फ्रिज में ख़राब नहीं होगा, लेकिन आज मैं ये एक पैकेट बनाने को थी, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा ना थोड़ा सा ये ख़राब होने लग गया है। तो मैंने 2 पैकेट ही कट करके यहाँ पर सूखी सूखी सब्जी बना लिया है। ज़्यादातर लोग तो मशरूम की जो रसीली सब्जी है ना, ग्रेवी, वो ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मुझे ना सूखी जो सब्जी है मशरूम की, वो ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए मसालों से मैंने जो है मसाला मशरूम बिल्कुल सूखी सूखी सब्जी यहाँ पे मैंने बना लिया है। और लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। और यहाँ पे सब्जी बिल्कुल रेडी है और सब्जी को मैं निकाल लेती हूँ। और जो है दूसरी तरफ मैंने चावल रख दिया है बनने के लिए। और कढ़ाई में अभी जो है अच्छे से साफ पानी से धोने के बाद यहाँ पे दूसरी सब्जी बना लूँगी। और ना अभी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कुछ दिन तो इतना ज़्यादा बारिश होने लगी थी कि सब लोग, हम लोग जो है ये सोच रहे थे कि कब बारिश कम होगी, कब बारिश कम होगी। और अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है, बारिश पता नहीं कब कम होगी। और अभी बारिश मतलब रुकने के बाद बारिश, अब तो मतलब पूरे दिन में इतनी तेज़ धूप है, उसके साथ साथ इतना गर्मी, बिल्कुल हवा भी, मतलब ऐसा लग रहा है कि पेड़ पौधे के पत्ते भी नहीं हिल रहे, इतना ज़्यादा गर्मी है और हवा भी नहीं चल रही है। इसलिए ना अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह उठ के सारा काम करके अगर जो खाना पीना सब कुछ बना लिया जाए तो थोड़ी सी राहत मिलेगी, नहीं तो दोपहर में जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर रहता है ना, उस टाइम गर्मी ज़्यादा लगती है और उस टाइम पे किचन में ना घुसा भी नहीं जाता है इतनी गर्मी में। तो इसीलिए जो है आज मैंने थोड़ा सा जल्दी, मतलब सब कुछ सब्जी वगैरह काट के रेडी करके बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, मतलब ऐसे ही जो है 11:30 बज गया था। और यहाँ पर जो है मैं आज बना रही हूँ यहाँ पर मशरूम की सब्ज़ी, तो मैंने बना लिया है। और मैं यहाँ पर बना करेला आलू की सब्जी, थोड़ा सा ग्रेवी ग्रेवी करके यहाँ पे करेला आलू की सब्जी बनाऊंगी बिल्कुल सिंपल तरीके से। इसीलिए तेल गर्म होने के बाद तेल में मैंने पंचफोरन मसाला, तेजपत्ती डाल दिया था। वो हल्का सा फ्राई होने के बाद जो है करेला और आलू को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मसाला ऐड कर दिया है। मसालों में है अदरक, जीरा और लाल मिर्च मैंने पेस्ट कर लिया था, वही मैंने इसमें ऐड करके मसालों के साथ जो है सब्जी करेला और आलू को अच्छे से मैं यहाँ पे पका लूँगी। और फ्राई करके फिर मसालों के साथ पकाते पकाते जो है आलू करेला अच्छे से जो है बॉयल हो चुका था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और पानी को भी मैं यहाँ पर अच्छे से बॉयल कर लूँगी। और यहाँ पर देखिए आलू भी अच्छे से बॉयल हो चुका है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे नमक टेस्ट कर, मतलब देख लूँगी कि ठीक है या नहीं, तो थोड़ा सा मैं इसमें नमक भी ऐड कर दूँगी ताकि नमक अगर कम रहे तो। और इसी तरीके से ना गर्मी में करेले की सब्जी बनाओ तो बहुत अच्छा लगता है। और गर्मी में जो भरमा करेला मसालों से जो बनाया जाता है वो सब्जी ना मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता है। कभी भी मैं ऐसे बनाती भी हूँ ना तो ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ, और ज़्यादा खाती हूँ तो पेट का प्रॉब्लम मतलब हो ही जाता है गर्मी में ऐसा। तो इसलिए ना ज़्यादा मसालादार खाना भी गर्मियों में हर टाइम खाना नहीं चाहिए, हल्का फुल्का खाना भी कभी कभार सेहत के लिए अच्छा होता है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिखा देती हूँ यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी। और ये है करेला आलू की सब्जी और साथ में है बहुत ही टेस्टी मसाला मशरूम की सब्जी। तो किचन का काम ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म हो गया है और अभी जो है बज गया है 1, तो 1 बजे अभी जो है मेरा
हल्का फुल्का जो काम है वो ही ख़त्म हो पाया है, और अभी जल्दी जल्दी मैं जो है किचन का छोटा मोटा काम और कर लेती हूँ, जैसे कि ओवन साफ़ करना। और खाना बनाने के तुरंत बाद अगर ओवन साफ़ कर दो ना तो बहुत सारा ऐसा लगता है काम कम हो गया है किचन में, और किचन में ओवन गंदा रहे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और क्योंकि ओवन गैस पे हम लोग खाना पीना बनाते हैं, और वो ही गंदा रहे तो लक्ष्मी कैसे आई घर पे, है ना। तो हर टाइम मैं ओवन साफ़ करके रखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अगर सब कुछ गंदा रहता है तो मुझे काम करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद किचन से निकल के जो है मैं रूम में अच्छे से झाड़ू लगा के फिर रूम में मैंने पोछा लगा लिया है, और जो है और साथ ही साथ किचन में भी जो है अच्छे से मैंने पोछा लगा लिया था। उसके बाद रूम में पोछा लगाने आ गई थी, और यहाँ पर मैंने अच्छे से रूम को क्लीन कर लिया है। अभी जो है 1:30 बज गया है और मैं अभी नहा के आई हूँ, आज बहुत टाइम लग गया है सारा काम करने में। तो चलिए अभी जो है हम लोग लंच कर लेते हैं। तो अभी जो हस्बैंड आ गए हैं तो चलिए अभी हम लोग लंच कर लेते हैं, और बहुत भूख भी लगी, सुबह से मैं कुछ भी नहीं खाई हूँ, तो चलिए लंच कर लेते हैं। और उसके बाद जो है बाबू को मैं सुला के मैं भी थोड़ी देर के लिए आराम करने सो गई थी, उसके बाद बाबू के साथ मुझे भी नींद आ गई और मैं भी सो गई। और उठी हूँ 4 बजे, उठ के जो है सारे बर्तन क्लीन किया, और मुझे मतलब खाना बनाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि जो काम है पोछा वोछा लगाना सब कुछ मैं कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी लेट हो गया था आज। कितनी भी मैं जल्दी करने की कोशिश करती हूँ लेकिन सब्जी काटना, उसे क्लीन करना, धोना, उसमें ना बहुत टाइम लगता है। इसलिए ना पहले से अगर मतलब कल अगर कुछ मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ तो वो आज ही रात में अगर काट के फ्रिज में रख देती हूँ ना तो वो आसान रहता है, जल्दी जल्दी सब कुछ बन भी जाता है। और खाना बनाने के टाइम सब कुछ काट के बनाने जाओ तो उसमें तो टाइम लगता ही है ना, इसीलिए बर्तन मैं नहीं धो पाई थी। मैं सोच रही थी कि खाना खाने के बाद एक ही बार में सारे बर्तन मैं क्लीन करके रख दूँगी, और खाना खाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर के लिए आराम कर लूँ, और आराम करते टाइम मुझे आ गई नींद और मैं सो गई। और उठी हूँ 4 बजे, उठने के बाद जो है झाड़ू लगा के पूरा सब रूम क्लीन करके उसके बाद मैं कल मैंने कुछ जो है कपड़े धो दिए थे, सारे कपड़े यहाँ पर मैं लेके आई हूँ, और सारे कपड़े यहाँ पर मैं फोल्ड करने में लग गई थी। और अभी इस टाइम पे ना कुछ भी मेरा रूटीन के अनुसार नहीं हो रहा है। पहला जो मैं पहले ब्लॉग बनाती थी ना, जो शुरू में जितने भी सारे मेरे ब्लॉग हैं, मतलब घर जाने से पहले भी जितने ब्लॉग हैं उसमें आप लोग देखोगे कि मैं रोज़ ब्लॉग पोस्ट करती थी, और मेरा डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती थी, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आता था। लेकिन उसके बाद घर जाने के बाद भी कई दिन तक, घर जाने के बाद तो मैंने ब्लॉग पोस्ट करना छोड़ ही दिया था आप लोग मान लो, और अभी जो इस टाइम पे मतलब उस टाइम पे मैंने ब्लॉग पोस्ट करना छोड़ ही दिया था। और घर जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कब मेरा रूटीन सेट होगा। और मैं यहाँ से, मैं और बाबू कलकत्ता इसीलिए नहीं गए थे कि हमें लौट के आना है, हम लोग सोच रहे थे कि बाबू को वहाँ पे पढ़ाएंगे और हम दोनों वहाँ पे सेटल हो जाएंगे। और मेरा वहाँ का डेली ब्लॉग देख के आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मैं वहाँ पे सेटल हो भी गई थी, लेकिन जो है उसके बाद हस्बैंड घर गए, फिर दिमाग चेंज हो गया, मन चेंज हो गया, बाबू कुछ ऐसे करने लगे कि हमें आना पड़ा, तो हम लोग आ गए। और वहाँ पे जो है हमारा बहुत बड़ा एक अमाउंट खर्च हो गया है, और इतना अमाउंट खर्च करके कोई चाहेगा नहीं कि इतना खर्चा करने के बाद हम वहाँ से चले आए। तो मतलब उतना खर्चा करने के बाद मुझे बाबू के वजह से यहाँ पे आना पड़ा, और वहाँ पे जाने के बाद भी मेरा दिमाग में ये चल रहा था कब मेरा डेली रूटीन फिर से सेट होगा, बाबू फिर से रूटीन में आ जाएगा, हम लोग जो है मतलब मैं अच्छे से सब कुछ कर पाऊँगी। और सब कुछ सेटल होने के बाद बाबू जब स्कूल में जाने लगा, सब कुछ सही से चलने लगा, मैं घर पर चली गई, वहाँ पर मेरा डेली ब्लॉग आप लोगों ने देखा ही होगा, सब कुछ सही चल रहा था। उसके बाद दोबारा हम यहाँ आ गए, और यहाँ पे आने के बाद वही सेम सिचुएशन फिर से क्रिएट हो गया है, फिर से बाबू को स्कूल भेजना है, कौन सा स्कूल में एडमिशन करना है, कब करना है, कब एडमिशन करना सही रहेगा, क्योंकि कलकत्ता जाने के बाद बाबू का जो लैंग्वेज है वो चेंज हो गया है, बाबू अब बंगाली में बात करना सीख गया है, वो हिंदी है तो उसे याद है लेकिन बंगाली सीख गया है पूरी तरीके से, तो उसे घर पर रह के 1 महीना उसे हिंदी का मतलब बोलना सिखाना है, क्योंकि वो हिंदी तो जानता है, पहले तो हिंदी में ही बोलता था ना, तो उसे पता है लेकिन वो भूल गया है, तो अगर बच्चों के साथ खेलेगा तो उसे फिर से वो चीज़ें याद आ जाएगी और वो बोलने भी लगेगा, अभी बोलने भी लग गया अच्छे तरीके से। लेकिन इसी जो है ना हमें फिर से वही सब कुछ करना पड़ रहा है, बाबू को सब कुछ सिखाना पड़ रहा है। यहाँ से जब हम कलकत्ता गए ना तो बाबू को बंगाली सिखाने लग गए, अब वहाँ से यहाँ आ गए फिर से हिंदी सिखाने लग गए, और इंग्लिश तो उसे पता ही है,
तो ऐसे ऐसे ना मतलब मैं भी पागल हो रही हूँ और बाबू भी मेरे साथ साथ पागल होता जा रहा है। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे। और यहाँ पे आके मुझे अब ऐसा लग रहा है कब जो है बाबू अच्छे से सेटल हो जाएगा और फिर से मैं जो है डेली रूटीन पे आ पाऊँगी, क्योंकि जब तक बाबू का स्कूल शुरू नहीं होता है, बाबू सही से स्कूल जाना शुरू नहीं कर देता है, जैसे एक बच्चे का डेली रूटीन जैसा होना चाहिए वैसा शुरू नहीं हो जाता है, तब तक जो है मैं अच्छे से कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, अच्छे से ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ, अच्छे से घर का काम नहीं कर पा रही हूँ, अच्छे से सारा काम मेरा रूटीन में नहीं आ रहा है। मतलब ये काम करना है तो कर लेती हूँ, अच्छा वो काम करना है थोड़ी देर बात कर लूँ तब भी चलेगा, लेकिन रूटीन में आ जाएंगे ना सब कुछ, बाबू को स्कूल भेजना सब कुछ करना एक रूटीन में आ जाएंगे तो मेरा काम भी आसान हो जाएगा और जो है सारा काम भी जल्दी जल्दी होता मतलब हो जाएगा, और एक रूटीन पे आ जाएगा तो बाबू का पढ़ाई सब कुछ अच्छे से हो पाएगा। तो इसीलिए जो है टेंशन मेरे दिमाग में यही बात हर टाइम चलता ही रहता है, पता नहीं कब होगी ये सारी मतलब सिचुएशन संभल जाएगी और बाबू को नए स्कूल में एडमिशन भी करवाना है और नया स्कूल ड्रेस वगैरह भी सब कुछ जो है बनवाना भी है, मतलब फिर से शुरू से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे आके, आप लोग समझ रहे हो मेरी बातें। तो बहुत मुश्किल दिक्कत तो आ रही है, तो सब कुछ हम लोग जो है फेस कर रहे हैं। और यहाँ पे शाम के टाइम सारा काम करने के बाद आप लोगों के साथ बहुत बातें मैंने शेयर कर दी, सब कुछ करने के बाद थोड़ा सा मैंने अपने लिए चाय बनाई और बाबू के लिए लिया एक गिलास दूध और बिस्किट, और बाबू थोड़ा सा नमकीन खाना चाह रहा था तो बाबू के लिए लिया नमकीन। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कर देना। फिर मिलेंगे नए किसी ब्लॉग के साथ, तब तक टाटा बाय बाय और अपना ख्याल रखिए।